आई वॉज अपसेट, आई एम स्टिल अपसेट. मैंने उनको कभी माफ नहीं किया था, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी. माई केस इज इन द कोर्ट ऑलरेडी, यू नो हाउ इट वर्क्स, क्योंकि सिविल सूट फाइल किया है. एक गलत चीज में वो इन्वॉल्व थे एंड आई हैड द गट्स टू स्टैंड अप एंड से दैट ही इज इन्वॉल्व. इट्स ऑलवेज अ ह्यूज प्लेजर टू इंटरव्यू वीना मलिक, बिकॉज जो भी कहती हैं दिल से कहती हैं और बहुत ही सावगो हैं. एंड ऑब्वियसली शी इज इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल, सो दैट इज ऑलवेज एन इंसेंटिव एज वेल. प्लेजर हैविंग यू बैक वीना ऑन बॉलीवुड हंगामा. थैंक यू वेरी मच. और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग बेटर, यू हैव बीन ऑलवेज गुड, बट नाइस टू सी यू. क्या बात है, दैट्स अ बहुत ही आगाज बहुत ही अच्छा हुआ है. इनफैक्ट अंजाम खुदा जाने, अंजाम भी अच्छा ही होगा, मतलब जो भी आप पॉजिटिव रहे. ऑलराइट, हम लोग इस वक्त फिल्म सिटी में हैं, रात के 10 बज रहे हैं, 10:15 बज रहे हैं. मुंबई 125, ये इनकी फिल्म का नाम है जिसका आज आखिरी दिन है. इनफैक्ट तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खूबसूरत माहौल मुझे लग रहा है. आई थिंक पूरा का पूरा जर्नी मुंबई 125 किलोमीटर्स का बहुत एडवेंचरस रहा, बहुत मजेदार सी चीजें हुई. इस तरह का जंगल और इस तरह के लाइट्स, खास तौर पे इट्स स्कैरी स्पूकी बट स्टिल वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स टू एडवेंचरस. खास तौर पे इस पूरे जंगल में आप इमेजिन करें कि जब मैंने वायर्स पहने हों और मैं सब जंगल में ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एक्शन. सो यस, इट्स बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. रिसेंटली आपने किसी अखबार में आपने एक बात कही है कि आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं आप उनको फॉन्डली आप उनको याद करती हैं. एज सच व्हाई नॉट, आई मीन ये अलग बात है कि आसिफ से आपके काफी ज्यादा मतलब जो शिकवे हुए थे वो काफी ज्यादा तल्ख हो गए थे. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. पर्सनल हमें एक दूसरे से कोई गिला नहीं था. जाती तौर पे मैंने कभी मीडिया में नहीं कहा कि उन्होंने मुझे कभी खुश नहीं रखा, उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया. इट्स जस्ट दैट एक गलत चीज में वो इन्वॉल्व थे एंड आई हैड द गट्स टू स्टैंड अप एंड से दैट ही इज इन्वॉल्व. सो आई थिंक उस पे तो आई डिजर्व सम ब्रेवरी अवार्ड. अदरवाइज ऑल माई रिलेशनशिप at that point of time when we both were in love with each other, it's been so beautiful and still cherish those memories. Mujhe samajh nahi aati hai ki aap ek waqt mein jis kisi shakhs ko chah sakte hain. Like you and me are sitting having really nice time, what if tomorrow you and me don't talk to each other? That doesn't mean ke wo waqt kharab hai. Main hamesha apne purane not only boyfriends, school ki life, कॉलेज लाइफ, अपने फैमिली के साथ गुजारे हुए दिन, अपने दोस्तों के साथ गुजारे हुए दिन, अपने पौधों और कुत्तों के साथ गुजारे हुए दिन, वो सब दिन मैं याद करती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ. क्या बात. सो या गूगल में मैंने आपका नाम टाइप करके व्हेन आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक इन दैट, यू नो, एक जो आपकी इमेजेस जो इमीडिएटली सामने आती हैं वो आपकी FHM के जो आपका सारा जो कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट कम्स फॉरवर्ड. हाउ डू यू लुक एट दैट नाउ? क्या आपकी उसके बारे में आज राय है, आज के टाइम में? आज भी वही राय है जो हमेशा से थी. इट्स जस्ट दैट आई फील अपसेट. मुझे फैशन शूट्स करना बहुत पसंद है बट एक बहुत बड़ा सर्च कि दे हैव मॉफ्ड माय पिक्चर्स. यस, आई वाज अपसेट, आई एम स्टिल अपसेट. मैंने उनको कभी माफ नहीं किया था, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी. आज भी वही इमोशंस हैं कि आई विश कि मैंने पहले जाना होता शूट से कि माजी में भी उन्होंने कुछ पिक्चर्स माफ किए हैं, तो शायद मैं ये डिसीजन नहीं लेती उनके साथ काम करने का. जितने भी जिंदगी में मैंने गलतियां की, आई कॉल देम माय एक्सपीरियंसेस. सी, आई एम अ वन सेल्फ मेड पर्सन. आई वाज टू यंग व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर और तब से लेकर आज तक अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा है. दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे. सो जितने भी गलतियां आपकी जिंदगी में होते हैं वो आपके एक्सपीरियंस होते हैं. मैंने किसी की उंगली पकड़ के चलना नहीं सीखा है बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज हार्डली फ्यू मंथ्स ओल्ड जब मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहना शुरू हुई. फिर मेरी ग्रैंड माँ पास्ड अवे, सो अगेन आई मूव बैक विद माई फैमिली एंड आई वाज जस्ट 14 सिंस आई स्टार्टेड माई करियर. सो मैंने अपनी जिंदगी खुद जी है और जब आप अपनी जिंदगी खुद जीते हैं तो आपको ठोकरें भी लगती हैं, आपको धक्के भी लगते हैं, आप गिरते हैं, आप उठते हैं, आप संभलते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूँ. क्या बात है, क्या बात है. उस वक्त लीगल नोटिस की बात हुई थी कि आप कोर्ट केस करेंगी एंड यू विल बी टेकिंग द लीगल रूट एज वेल. यस, माय केस इज इन द कोर्ट ऑलरेडी, इट्स देयर एंड यू नो हाउ इट वर्क्स, क्योंकि सिविल सूट फाइल किया है. जब ये सारा FHM का कंट्रोवर्सी जिस तरीके से हुई थी तो डॉली बिंद्रा का मैंने देखा एक चैनल पे आप लोग जो है आपस में भिड़े हुए थे और आप उनको सुन नहीं पा रही थी बिकॉज वो चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा. ये जो एक एलिमेंट ऑफ जेलसी भी होती है इंडस्ट्री में जो कि स्पेशली एक्ट्रेसेस में तो खैर बहुत ज्यादा देखने में आती है, इसको आपने किस तरीके से आपने उसके साथ में डील किया? बिकॉज यू सीम टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड कलेक्टेड. हैव यू फेस्ड दिस सॉर्ट ऑफ, हाउ डू डील विद इट? देखिए, मेरे लिए सबसे मुश्किल ये बात है कि मैं किसी भी औरत को बुरा कह पाऊँ. आई थिंक जब मेरा आखिरी हद आता है, दैट ब्रेकिंग पॉइंट जो हर इंसान में होता है, तब शायद मैं एक आध बात कह पाऊँगी. मगर मैं उस हद तक नहीं गिर सकती हूँ कि मैं, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, मैं खुद लड़की हूँ और मैं
इस हद तक नहीं पहुंच सकूंगी कभी भी जिंदगी में कि मैं किसी भी दूसरी औरत को वो कह पाऊं जो असल में वो है. सो व्हेन इट कम्स टू द वुमेन लाइक डॉली बिंद्रा एंड राखी सावंत एंड दीज टाइप ऑफ वुमेन, आई वुड से दैट वन थिंग इज माय कैरेक्टर. The other thing is my reputation. My reputation is not what my character is, because my character is what actually I am. My reputation is something you, what you think. और अगर कोई शख्स वहाँ पे खड़े होके मुझे गाली देता है तो वो उस शख्स की गंदगी है, वो मेरी गंदगी नहीं है. So few people they have so much of dirt that they keep throwing up, and I'm not responsible for that because वो उनके अपने अंदर का गंद है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गंदगी अपने मुँह से उगलते रहते हैं और दूसरों पर फेंकते रहते हैं, मगर मैं एक बात पर बिलीव करती हूँ कि आप आसमान पर थूकेंगे तो वो थूक आपके चेहरे पे आएगी, आसमान उससे मैला नहीं होता है. मैं कभी भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को इतना काम, कूल और कलेक्टेड रखूँ कि आई शुड नॉट रिएक्ट टू दीज थिंग्स, एंड आई डोंट, एंड आई वुड से इन दैट वे आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग.